इनको दोनों आंख से दिखाई नहीं देता है, फिर भी इनको पूरी रामायण याद है। पिताजी गए? कहे? अरे नहीं, मतलब ऐसे मिल लेता, मैं ब्रश करने के उतने में चले गए। अरे वाह। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को शुभ प्रभात और जय श्री राम। तो गिनती गिन लो, 18, 19, 20, 21, 22, 5 दिन मेरे को लगा एडिटिंग करने में। जिस हिसाब से मैंने किया है ना, सच्ची में बहुत टाइम लगा है। कुछ मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड किया, वो एडिटिंग किया, कुछ मामा के मोबाइल से रिकॉर्ड किया था, तो उसको लेके मैं 2-3 दिन तो ये परेशान था कि मैं जाऊं, मतलब पहले बांदा जाना पड़ेगा लेने वीडियो। तो मामा ने एक ड्राइव में डाला, वो ड्राइव की लिंक मुझे भेजी, उसमें से डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। फिर जैसे तैसे करके ना मैंने डाउनलोड किया और फिर लाइन से लगाया, ये वो, भाई बहुत मगजमारी थी। ऐसा हेयर कटिंग मैंने करा है, ऐसा हेयर कटिंग करा है, फिर नहीं दिखाऊंगा। तभी कर रहा हूँ नाश्ता, ये पपैया और ये लड्डू। ये लड्डू इतना ही खाने का, क्योंकि ये ना उसका आटे का बना है, ज्यादा खाओगे तो फिर पेट खराब। तो पहले नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ और फिर आके आपको सब एकदम डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी मैं जा रहा था नहाने, तो आज बनने वाले चने की भाजी। तो ये चने की भाजी को हम लोग को इसमें डाल के ऐसा पीसना है एकदम, तब जाके इसकी अच्छी मस्त और टेस्टी भाजी बनेगी। इसमें ना थोड़ा ताकत लगता है, जब ये घूमता है ना तब इसमें थोड़ा ताकत लगता है, तो माँ कर रही थी, तो मैं बोला जब ऐसे बैठा हूँ तो पहले ये कम्प्लीट कर देता हूँ फिर जाता हूँ नहाने। इससे ताकत लगती है। अभी देखो इसमें ना अटक गया ना बीच में, इसकी वजह से ना ये घूमता नहीं है, बहुत टाइट घुमाना पड़ता है, हाथ वहाँ से दर्द करने लगता है। तो भाई ठान लिया, तो ये कंप्लीट खाली, ये देखो कुछ ऐसा कटा है एकदम, इतने बारीक करना था ना। तो अभी मैं जा रहा था पूजा करने के लिए, नहा के आ गया, फ्रेश हो गया, लेकिन आज निहाल गया था सुबह स्कूल, लेकिन कैसे गया था बताऊँ? ये देखो एकदम हीरो बन के, सॉरी हीरो गलती से निकल गया, वेटर बन के। चाचू की शर्ट, मेरा पैंट, तेरा क्या है रे? मेरा जूता भी पहना था ना, मेरा बेल्ट भी पहना है। अरे खड़े रहे, कुछ नहीं हो रहा है इसको। हाँ ये देखो कितना ढीला है, ये देखो कितना ढीला है। ये क्या कर दिया? लग गया माँ। अरे यार, वैसे तो पढ़ाई नहीं करनी है और वैसे शर्ट पे पढ़ाई करनी है। हाँ भाई, तो अब रेडी हो गया, और अब से ना मैं ऐसा चंदन लगाने लगा, पहले वो गोल लगाता था ना, लेकिन अब से ऐसा, क्योंकि ये चंदन स्टार्टिंग में माँ ने लगाया था। मैं क्या सोचा, मेरे जो बीच वाले बाल थे ना बहुत बड़े थे, बहुत आज बाजू के छोटे, पहले मेरे को ये लगा कि मैं पूरे सर में ना एक नंबर मशीन चला देता हूँ तो बाल परफेक्ट आएंगे, तो एकदम टकला लगेगा, तब तेरे बाल ही नहीं आएंगे इतना जल्दी। तो मैंने बोला ठीक है अपने हिसाब से काटो, तो उन्होंने कुछ ऐसा काटा, ऐसा कैसा लग रहा है एकदम कटोरा कट, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अब कटा लिया। परसों की बात है, 2 दिन हुआ अभी ये बाल कटा है। वाव, ये पारस, वाव केवड़ा चांद दिस तो तू। को निकाल ला? टीचर निकाल ला। तो कुछ टाइम के लिए ब्लॉग में मैं ऐसा ही दिखूंगा, ठीक है। और अभी आप लोग ये फोटो देखो, मैं आपको जो दिखाया हूँ, वसंत नगरी ग्राउंड में परम पूज्य श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज जी का उधर कथा होगा वसंत नगरी ग्राउंड में, 4 बजे से लेके 7 बजे तक। तो आज ही है वो दिन, तो दिन आज ही है, और आज 4 बजे से लेके 7 बजे तक कथा चलेगी, तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि इतना अच्छा मौका भाई नहीं गवा सकते। अभी कुछ करना भी नहीं है, घर में बैठे रहने, तो इससे अच्छा कथा ही सुने, वही अच्छा है। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30, और अब मैं जा रहा हूँ। ज्यादा धूप भी नहीं है, गर्म भी नहीं है मौसम, ठंडा है छाँव में मस्त। तो भी सब मामा को बताया कि ऐसा एक कथा, आप चलो अगर आपके पास टाइम है तो मामा ने मुझे बुला लिया, बोले तू पहले इधर आ फिर हम सब साथ में चलेंगे। तो भी सबसे पहले जा रहा हूँ मामा के घर। वैसे तो पहुँच गया हूँ, बस इस बिल्डिंग के पीछे तो है वो महावीर ग्रुप, उधर ही जाना है बस। मेरे को ना स्टेशन में कुछ काम आ गया था, तो मैं एक बार जाना एक बार आना 2 बार कर चुका, तो पहले से ही थका, और अभी इधर आना फिर थक गया। चल रहे हो ना? बेड पे होगी टोपी, धन्यवाद। यही तो एक दिक्कत है आपके यहाँ पे, गाड़ी ढूंढने पे नहीं मिलती। कैसे चला रहे? इधर ही लगा दो। जय श्री राम। कौन है अंदर? महाराज जी आ गए क्या? कोई पहने ही है। जय श्री राम। आप वीडियो बन रहे अच्छा सा। जय श्री राम। अभी कहाँ आए? अभी तक नहीं आए, लेट हो रहा होगा। जय श्री राम। गुरु जी का आगमन ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर इस पंडाल में होने जा रहा है। क्या मस्त आयोजन किया ना मामा, बहुत मस्त। किधर बैठेंगे हम लोग? अभी इधर बैठते हैं ना,
सब एकदम सामने मजे आ जाएगा। जिनका इंतजार था जगत गुरु पद्म विभूषण प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री राम भद्राचार्य महाराज जी का आगमन हम लोगों के बीच में हो चुका है। आप लोग बैठिए, अभी बैठिए बैठिए, अभी उनको थोड़ा विलम्ब है, अपने ढंग से आएंगे। हाँ आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। आज तो हम लोग किसी भी रूप में आ गए हैं, लेकिन कल से सभी लोग मास्क लगा करके इस प्रांगण में आएंगे। ये बात करते हैं भगवान की, 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 करते हैं भगवान की। जय सिया राम, जय सिया राम, कुछ पाल गुरुदेव भगवान को प्रणाम करेंगे और अपने अपने जगह पे बैठ जाए, जो जहां पर है अपने अपने स्थान पे बैठ जाए। बाकी वाले बैठे तब ना, बैठ जाओ भाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। दो होना चाहिए। प्राचीन पादुकाओं का पूजन करते हैं। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगदोपिवा श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम। बोलिए भगवान पूज्यपाद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता गंगा माता भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री सीताराम। एक बार जोरदार जयकारा, जय श्री राम, जय श्री राम। गणपति जय गण ज्ञानानां निधानं पाथेयं जन्म मुक्षो तपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य सियावर रामचंद्र भगवान की। रामचरितमानस विमल कथा करूं चित चाय आसन आय विराजिए पवन पुत्र हर्षाय सीताराम। जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। अपने श्री राम कथा की 1358वीं कथा के प्रथम सत्र में संवेद सज्जनों का मैं प्रसन्नता पूर्वक मंगला शासन कर रहा हूँ। एक ही चौपाई पर 9 दिन और पूरी राम कथा हमारे उत्तर भारतीयों के समझ में आएगी। उत्तर भारतीय भाई बहन के हमारा आशीर्वाद। हम तो इतने कह तो हमारे है, हम तो हार है। बड़ी प्यारी चौपाई रामचरितमानस की। प्रभु गुरु पित माता जाऊ कहा तज पद चल जाता। अच्छा चल जब पार सब पहुंच चुके हम ही सुना। यही मुझे सुनाना है, तो उनका भी नाम आप नोट करिए। विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, सत्या, प्रहवी, ईशाना, अनुग्रहा, श्री, भू, कीर्ति,
इला, क्रांति, लीला और विद्या, ये भगवान राम की 16 कलाएं हैं। मेरी कथा देश की दशा बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। हमारी लड़कियों को लव जिहाद में नहीं पढ़ना चाहिए, यही मेरी आज आकांक्षा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिर कल चर्चा करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। आरती श्री मन मानस की, राम सिया की तुलसी ना कहीं सहुला, सुकवि कबिलास रजे रघुनाथ विमल जस की, राम सिया कीर्ति तुरारस की, आरती श्री मन मानस की, राम सिया कीर्ति तुरारस की, जय जय श्री सीता। और अभी टाइम हो रहा है 7 और अभी जाके कथा खत्म हुई है। मज़ा आ गया यार, पहला दिन था, फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का, फर्स्ट एक्सपीरियंस, मज़े ही आ गया। घर चलते बैटरी भी नहीं, 2% है, तब बात करते हैं। अब यहाँ से ऐसा जाना है और वो मेन गेट पे देखो प्रसाद मिलेगा, वहाँ प्रसाद ही खत्म हो गया, अब उस गेट से मंगाया है, आ गया प्रसाद। माँ लोग ने बस मिस कर दिया कि उधर मौसी उसको क्लासेस लेके गई थी, डांस क्लासेस, और निहाल को भी क्लासेस जाना था 5 बजे, तो तब तक तो माँ घर में ही थी। तो बागेश्वर धाम महाराज जी है, प्रेम भूषण महाराज जी है, वो दोनों इन्हीं के शिष्य हैं, ये दोनों के गुरु है। सोचो इनको दोनों आँख से दिखाई नहीं देता है, फिर भी इनको पूरी रामायण याद है, और चौपाई कैसे गा रहे थे। होता है ना कि अरे भाई मैं ये हीरो से मिला, मैं इससे मिला, मेरे को ये आनंद है कि मैं इनसे मिला, हमारी इधर कथा हुई और ये आए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आए हो बाबू पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक ले बाबे शुभरात्रि और जय श्री राम।